बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। कंप्यूटर साइंस की आज की हमारी क्लास में हमारा टॉपिक है ड्रैग एंड डिलीट अ फाइल। ड्रैग एंड डिलीट अ फाइल, ये क्लास 6 का लेसन नंबर 8 है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेसन से रिलेटेड आज की वीडियो। सबसे पहले स्क्रीन पे आप अपनी बुक का टाइटल पेज देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं इस पेज के दिखाने का क्या मकसद है? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये पेज सिर्फ और सिर्फ एक याद दहानी के लिए आपको दिखाया जाता है कि वीडियो देखते हुए ये बुक आपके हाथ में हो, आपके हाथ में आपका पेन पेंसिल वगैरह हो, जिससे आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर सकें, क्वेश्चंस वगैरह के आंसर्स नोट कर सकें। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम में कॉपी अ फाइल फोल्डर और मूव अ फाइल फोल्डर का टॉपिक कंप्लीट किया था। पेज नंबर 48 और 49 हमने लास्ट टाइम में कंप्लीट किया था, और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 जो है वो भी अपनी नोटबुक्स में लिखा था। आज हम इससे आगे चलेंगे, पेज नंबर 50 और 51 पे है ड्रैग अ फाइल फोल्डर और डिलीट अ फाइल फोल्डर। आज हम अपने ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ड्रैग अ फाइल फोल्डर और डिलीट अ फाइल फोल्डर। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम अपनी यूनिट की एक्सरसाइज और ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक, ड्रैगिंग अ फाइल और फोल्डर। ड्रैगिंग भी बेसिकली मूव की ही एक किस्म है। हम अपनी फाइल को मूव करवा सकते हैं ड्रैग के जरिए से। अ यूजर कैन आल्सो मूव अ फाइल और फोल्डर टू अनदर लोकेशन बाय ड्रैगिंग। यूजर मूव करवा सकता है अपनी फाइल को किसी दूसरी लोकेशन पर ड्रैगिंग के जरिए से। दोबारा देखें, अ यूजर कैन आल्सो, यूजर कर सकता है मूव अ फाइल फोल्डर, अपनी फाइल या फोल्डर को मूव टू अनदर लोकेशन बाय ड्रैगिंग, ड्रैगिंग के जरिए से किसी दूसरी लोकेशन पे। एक यूजर बड़ी ही आसानी से अपनी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवा सकता है ड्रैगिंग की मदद से। अब इसका प्रोसीजर क्या है, ये हम कैसे करेंगे, ड्रैगिंग अ फाइल और फोल्डर टू द डेस्कटॉप। अब हम देखें कि डेस्कटॉप पे किस तरह से फाइल को ड्रैग करवाया जाएगा। तो ओपन माय डॉक्यूमेंट फोल्डर, सबसे पहले आप माय डॉक्यूमेंट फोल्डर को ओपन कर लें। सेलेक्ट माय वर्क फोल्डर, आप माय वर्क फोल्डर को सिलेक्ट कर लें, और आपको याद होगा ये वही फोल्डर है जो आपने खुद से क्रिएट किया था, विच यू हैव जस्ट क्रिएटेड, जो आप ही ने क्रिएट करवाया है। उसके बाद आपने अपनी विंडो के साइज को जो है वो रिड्यूस कर लेना है, आपने अपनी विंडो का साइज जो है वो छोटा कर लेना है ताकि पीछे से आपको डेस्कटॉप भी नजर आए। नाउ ड्रैग दिस फोल्डर टू द डेस्कटॉप। अब इस फोल्डर को, माय वर्क के फोल्डर को ड्रैग करवाएं डेस्कटॉप पे। और ड्रैग करवाने का क्या मेथड है कि आप इस फोल्डर को सिलेक्ट करके अपने माउस को उसी के ऊपर होल्ड रखें और लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके रखें, और फिर अपने माउस को मूव करवाएं। तो जहां जहां आप अपने माउस को मूव करवाएंगे वो फोल्डर भी साथ साथ में मूव करेगा, और फिर डेस्कटॉप पे ला के उसे छोड़ दें। सिलेक्टेड फोल्डर विल बी मूव टू द डेस्कटॉप। इस तरह से आपका जो सिलेक्टेड फोल्डर है वो डेस्कटॉप पर मूव कर जाएगा। नेक्स्ट देखें, You can also drag this selected folder back to my document folder. आप इसको वापस my document folder में भी drag करवा सकते हैं। तो drag करवाने से हमारा folder shift कर जाता है from one location to another location. Page number 51 देखें, हमारा दूसरा topic है आज का, deleting a file or folder. के file और folder को delete किस तरह से किया जाता है। Sometime अननेसेसरी फाइल्स जिनकी हमें लंबे अरसे तक ज़रूरत नहीं होती हम उन्हें डिलीट कर देते हैं, या ऐसी फाइल जो हमारा काम पूरा कर चुकी हैं, अब हमें उन्हें कंप्यूटर में रखने का और कोई फ़ायदा नहीं, जस्ट वो स्पेस जो है वो यूज़ कर रही हैं, तो अपनी स्पेस को बढ़ाने के लिए हम फाइल्स को डिलीट कर देते हैं। अ यूज़र कैन डिलीट अ फाइल और फोल्डर, दिस इज़ दैट इज़ नो लॉन्ग रिक्वायर्ड, दैट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। एक यूज़र बड़ी ही आसानी से अपनी फाइल और फोल्डर को डिलीट कर सकता है जो उसे मज़ीद लंबे अरसे के लिए नहीं चाहिए। दोबारा देखें, अ यूज़र कैन डिलीट अ फाइल और फोल्डर डेट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। इसका प्रोसीजर क्या है, मेथड क्या है, बहुत ही सिंपल है। डिलीटिंग अ फाइल फोल्डर, ओपन माई डॉक्यूमेंट फोल्डर, आप माई डॉक्यूमेंट फोल्डर को ओपन करें, सिलेक्ट माई वर्क फोल्डर,
इस सी फोल्डर को, माई वर्क फोल्डर को सिलेक्ट करें जो आपने खुद से क्रिएट करवाया था। डिलीट दिस फोल्डर इन द फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन। फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन जो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर डिलीट की ऑप्शन है, डिलीट दिस फोल्डर, इस पर क्लिक करके इस फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। और अगर ये ऑप्शन आपको ना नज़र आ रही हो, देन और प्रेस डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। आप सेलेक्ट करने के बाद डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, और याद रखें डिलीट होके ये जो है रिसाइकल बिन में चले जाता है। अ वार्निंग मैसेज विल अपीयर। याद रखें कभी भी फाइल एकदम से डिलीट नहीं होती, बल्कि कंप्यूटर आपको एक वार्निंग मैसेज देता है। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट दिस फोल्डर? क्या आपको यकीन है, आप यकीनी तौर पर ऐसा करना चाह रहे हैं, अपने फाइल को डिलीट करना चाह रहे हैं, फोल्डर को डिलीट करना चाह रहे हैं? इस डायलॉग बॉक्स में आप यस और नो दोनों में से कोई एक ऑप्शन को चूज़ करते हैं। अगर आप वाकई उसे डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप यस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक यस टू कंफर्म द डिलीट एक्शन। आप यस पे क्लिक कर दें अपने एक्शन को कंफर्म करने के लिए। यू विल फाइंड दैट द फोल्डर माई वर्क हैज़ बीन डिलीटेड। आप देख सकते हैं कि आपका जो फोल्डर था माई वर्क, वो डिलीट हो चुका है, और वो डिलीट होकर कहाँ गया है, वो रिसाइकल बिन में चला गया है, जहाँ से आप उसे दोबारा भी रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, जो फाइल आप USB ड्राइव में से डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में नहीं जाती, या जो फाइल बहुत बड़ी होती है जो रिसाइकल बिन में पूरी नहीं आ सकती, कोई बहुत बड़ी फाइल थी, वीडियो थी जो GBs के अंदर थी, वो रिसाइकल बिन में पूरी नहीं आ सकती थी, तो वो भी रिसाइकल बिन में नहीं जाती, बल्कि डायरेक्टली कंप्यूटर से डिलीट हो जाती है। यू कैन आल्सो डिलीट अ फाइल और फोल्डर बाय यूजिंग राइट क्लिक प्रॉपर्टीज एंड फाइल मेन्यू। आप राइट क्लिक के जरिए से भी अपनी फाइल और फोल्डर को जो है वो डिलीट कर सकते हैं, और फाइल मेन्यू के जरिए से भी अपने फाइल और फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। ऑन डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर इट इज स्टोर इन द रिसाइकल बिन। जब आप किसी फाइल और फोल्डर को डिलीट करते हैं तो ये रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। बिफोर इट इज़ परमानेंटली रिमूव फ्रॉम द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से परमानेंटली रिमूव होने से पहले वो आपकी हार्ड डिस्क में रिमूव हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन आपका कोई रिटर्न वर्क नहीं है, जस्ट आपने इसे रीड करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज की आपकी डायरी है, आप डायरी नोट कर लें, रीड पेजेस 50 and 51। पेज नंबर 50 और 51 को आपने अच्छी तरह से रीड करना है। डेट इज़ ड्रैग एंड डिलीट आ फाइल और फोल्डर, जिसमें हमने ड्रैग और डिलीट आ फाइल और फोल्डर के बारे में पढ़ा है। दोबारा एक दफ़ा डायरी देख लें, रीड पेजेस 50 and 51, डेट इज़ ड्रैग एंड डिलीट आ फाइल और फोल्डर। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।